नमस्कार, हर्षल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैंगो फ्रूटी बनाना बताऊंगी। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और बच्चे स्कूल से आते ही कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग मांगते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाए जो बच्चों को नुकसान भी ना करे और अच्छा हेल्दी भी हो। तो आज हम बनाएंगे मैंगो से मैंगो फ्रूटी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं मैंगो फ्रूटी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए हमने कुछ पके आम ले लिए हैं और कुछ कच्चे आम ले लिए हैं। ये करीब आधा किलो पके हुए आम है और ये 250 ग्राम का एक कच्चा आम है। जितना हमें पका हुआ आम लेना है उसका आधा हमें कच्चा आम लेना है। इसके लिए हमने ये आधा किलो चीनी ली है। इतने आम में हम करीब 2 लीटर मैंगो फ्रूटी बनाएंगे, तो उसके अलावा हमें 2 लीटर पानी चाहिए होगा। सबसे पहले हम आम को काट के तैयार कर लेते हैं। पहले इसको छील लेंगे, फिर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट के तैयार कर लेंगे। आम का सारा गूदा निकाल लेंगे और उसकी गुठली हम हटा देंगे। कच्चे आम का सारा हमने छील के गूदा निकाल लिया है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। कच्चा आम हमने सारा काट के तैयार कर लिया है, ये पके हुए आम को भी छील के काट लेते हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये सारे कच्चे और पके आम हमने छील के और काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमें पकाना है, तो इसे हम इसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हम इसे पकाएंगे। एक बड़े बर्तन में हमने 1 कप पानी ले लिया है। गैस ऑन कर देते हैं और इस पानी में हम ये कच्चे आम डाल देंगे। पहले कच्चे आम को हम थोड़ी देर पक जाने देते हैं, उसके बाद हम इसमें पका हुआ आम मिलाएंगे। बर्तन को ढक देते हैं और इसे 3-4 मिनट के लिए हम पक लेते हैं। ऐसे ये कच्चे आम को पकते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा ये पक भी गया है। अब इसमें हम ये पके हुए आम भी मिला देते हैं, फिर इसे साथ में हम 5 मिनट और पकाएंगे। पका हुआ आम पहले से ही सॉफ्ट होता है, तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें हम ये चीनी भी मिला देंगे। कर देते हैं इसे 5 मिनट हम और पकाएंगे मीडियम आंच पे। बर्तन को ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे हम पका देते हैं। ये आम पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। हमने 5 मिनट पहले कच्चे आम को पकाया था और फिर 5 मिनट हमने पके हुए आम को मिला के पूरे 10 मिनट दोनों को मिला के पकाया है। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम छान लेंगे। ठीक, इस तरह की कोई छलनी ले लेंगे और एक बड़े बर्तन में हम इसे रख के और इसे हम छान लेंगे। इसका सारा जूस अलग कर लेंगे और दूध को हम अलग कर लेंगे। ये सारा गूदा हमने छान के अलग कर लिया है और ये रस अलग कर लिया है इस तरह से। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं, तब हम इसे पीस के इसकी प्यूरी बनाएंगे। करीब इसे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे ठंडा होने में। हम इसे अलग रख देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये आम का पल्प ठंडा हो गया है, अब इसे हम पीस के इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो इसे हम किसी मिक्सर के जार में डाल लेते हैं। इससे पहले इसे ठंडा करना बहुत जरूरी है, वरना फिर जार में से ये बाहर निकलने लगता है। थोड़ा सा जूस भी हम इसमें डाल लेंगे और इससे हम 1 कप पानी प्यूरी पीस के तैयार कर लेंगे। ये आम की एकदम अच्छी सी स्मूथ सी प्यूरी बन के तैयार हो गई है। इसे हम इसे छलनी में डाल के छान लेंगे फिर से, और इसमें हम थोड़ा पानी थोड़ा पानी मिला के जाएंगे और इसे हम छान लेंगे। जो भी रेशे वगैरह इसमें रह गए होंगे वो सब निकल जाएंगे और ये अच्छे से एकदम मिल जाएगी। हमें इसे 2 लीटर रोटी बनाना है, तो उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और इसे हम छान लेंगे। हमने सारा पल्प छान लिया है और ये थोड़े से जो रेशे निकले हैं इसे हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हो गई है। सिर्फ 3 आम से हमने ये करीब 2 से 2.5 लीटर के करीब मैंगो फ्रूटी बना ली है। अब हम इसे किसी जग में या जार में भर के रख देते हैं, जिससे ये ठंडी हो जाए। इसे हमें एकदम चिल करके सर्व करना है, तो इसे जग में भर देते हैं। आप चाहे तो किसी बॉटल में भी भर सकते हैं।
ये देखिए ये 1 लीटर और 1 लीटर हमारे पास इधर है, तो 2 लीटर फ्रूटी हमारी बनके तैयार हो गई है 3 आम से। तो आपको जितनी फ्रूटी बनानी हो उसी हिसाब से आप आम ले सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए और इसे 1-2 घंटे एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इसे सर्व करिए। ये हमारी मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और आप इसे बच्चों को बिना किसी टेंशन के दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर कुछ भी ऐसे यूज नहीं किया है जो बच्चों को नुकसान करे। तो आप भी इसे बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।